हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे कि आप अपनी ड्राइंग्स में एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पर एक बार स्टेटस बार पर आएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक आइकन मिलता है ऑर्थो मोड। हम इस पर क्लिक करते हैं इसे ऑन करने के लिए। जैसे हम इसे ऑन करते हैं, मतलब कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाता है। दैट मीन्स कि अब ऑर्थो मोड ऑन हो गया है। इसके अलावा आप कीबोर्ड से F8 की प्रेस करके भी ऑर्थो मोड को ऑन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है ऑर्थो मोड को ऑन कर लिया है। अब इसके बाद सपोज हम यहाँ पर लाइन टूल सेलेक्ट करते हैं और लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर ये जो है 90 के एंगल पर एक्यूरेसी को मेंटेन रखता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर अब ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद अगर लाइन को मूव करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो लाइन है वो अब 90 डिग्री के एंगल पर ही मूव हो रही है। मतलब कि 90 डिग्री के इंक्रीमेंट पर ही मूव हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये किसी और एंगल पर नहीं जा रही है, ये सिर्फ 90 डिग्री के इंक्रीमेंट पर ही मूव हो रही है। अगर हम यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑफ कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अब ये लाइन अब किसी भी एंगल पर मूव हो रही है। मतलब कि अब आप इसको जो है फ्रीली किसी भी एंगल में मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक्यूरेसी को मेंटेन रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लाइन जो है वो सिर्फ 90 डिग्री के इंक्रीमेंट पर ही मूव हो, तो आप क्या करेंगे, स्टेटस बार पर आएंगे और यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब ये लाइन 90 डिग्री के इंक्रीमेंट पर मूव हो रही है। अब सपोज हम यहाँ पर इस लाइन से 5x5 का एक स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर राइट साइड में लाइन को मूव करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 5 और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं स्पेसिफाइड यूनिट के अकॉर्डिंग लाइन यहाँ पर क्रिएट हो गई है। इसी तरह अब हम यहाँ पर लाइन को नीचे की तरफ मूव करते हैं। आप यहाँ पर इस बात का ये ध्यान देंगे कि जिस डायरेक्शन में आप लाइन को मूव करेंगे, ये उसी डायरेक्शन में ही उस स्पेसिफाइड यूनिट की लाइन को क्रिएट करेगा। अगर हम यहाँ पर सपोज लाइन को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं और अगर हम यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं 5, तो ये क्या करेगा, लाइन को ऊपर की तरफ क्रिएट करेगा। तो हम यहाँ पर लाइन को नीचे की तरफ बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर नीचे वाली डायरेक्शन में अपनी लाइन को मूव करेंगे और यहाँ पर अब हम वैल्यू देंगे 5 और एंटर की प्रेस कर देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर अगेन 5 टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। और इसे क्लोज करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर 5x5 का परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर एक बार इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में पैन करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो आइए हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को फिर से क्रिएट करते हैं। इसके लिए पहले हम यहाँ पर ड्रॉ पैनल पर आते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं लाइन। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमने यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑन करके ही इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको भी ऑर्थो मोड को ऑन करके ही इसे क्रिएट करना है, ताकि आप जो है इसकी एक्यूरेसी को मेंटेन रख सकें। तो हम यहाँ पर जो है क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिट एंटर करेंगे 4, एंटर की प्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लाइन को नीचे की तरफ लेकर आएंगे, देन यहाँ पर हम टाइप करेंगे 6, एंटर की प्रेस करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लाइन को राइट साइड में लेकर आते हैं, देन अगेन हम यहाँ पर देते हैं 6, एंटर की प्रेस करते हैं। फिर यहाँ नीचे लेकर आते हैं, यहाँ वैल्यू देते हैं, देन यहाँ पर यूनिट देते हैं 4, एंटर की प्रेस करते हैं। फिर लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं, यहाँ पर देते हैं 10 और एंटर की प्रेस करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो इसे क्लोज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे क्लोज। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आप ऑर्थो मोड को ऑन करके अपनी ड्राइंग्स में एक्यूरेसी को मेंटेन रख सकते हैं। थैंक यू।